तो ये है मेरा फाइनल लुक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो पिछले कल मैं घर पर पहुंची थी और आज मैं जा रही हूँ शादी में, मतलब हमारे गांव से जा रहे हैं, हमारी फैमिली से मामे जा रहे हैं हम लोग। तो मेरी कजन बुआ की बेटे की शादी है तो हम वहां जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे शादी कैसे होती है, हमारी जो अपर हिमाचल की लड़कियां हैं वो शादी के लिए कैसे तैयार होती हैं, हम क्या ड्रेस पहनने वाले हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में देखने के लिए और आज का व्लॉग शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो ये कपड़े मैं आज पहन रही हूँ, ये है कुर्ता, ये है पेटीकोट और ये है लेगिंग इसके साथ, और ये है चेन है चांदी की, और ये इयररिंग है, ये दीदी ने दिए मेरे को पहनने के लिए, और ये जैकेट पहनूंगी इसके साथ बाहर से। तो ये हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस होता है। तो अभी मैं पहले अपना ड्रेस पहनती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ और ट्रांजिशन की भी कोशिश करती हूँ, देखते हैं ट्रांजिशन होती है मुझसे कि नहीं। तो अभी मैं कुर्ता और लेगिंग तो मैंने पहन लिया है, लेकिन अभी मैंने पेटीकोट नहीं पहना, इसको हम एंड में पहनेंगे। इसका डिजाइन कुछ ऐसा होता है, इट्स मोर लाइक अ फ्रॉक, लेकिन इसको बोलते हैं पेटीकोट। रिम वगैरह लगा देते हैं उसके बाद ही इसको पहनेंगे। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, मैंने थोड़ा बहुत क्रीम वगैरह लगा लिया है और अब लगाते हैं अपने। एक तो मैं काफ़ी टाइम से लगाया नहीं है कानों में कुछ, मुझे डर है इनका भी। ये मैं दीदी के घर गई थी ना, दीदी ने मुझे दिए थे कि तू शादी में जा रही है, मेरे पास ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी, जो भी मैक्सिमम चीज़ें ट्रेडिशनल चीज़ें होती है ये मेरी बहन की होती है, वो मुझे दे देती है पहनने के लिए। लिटरली वो हमेशा मुझे बचाती है, मुझे कहीं भी फंक्शन में जाना होता है तो वही मुझे अपने कपड़े दे देती है और अपनी सारी चीज़ें दे देती है। थैंक यू सुमिदी। कल के नीचे ये छुप जा रहे हैं, तो मैं अगर इनको बालों को ऐसे करूँगी तब जाके दिखेंगे मेरे। ये पहन लेते हैं, इसको कहते हैं हाफ जैकेट और बास्केट भी बोलते हैं हमारी साइड इसको। और हम लोग यहाँ पर यार पहले ये पहनते हैं या ये पहनते हैं, आई थिंक पहले ये पहनते हैं। तो मुझे नहीं पता इसको कैसे पहनते हैं, पर मैं जैसे पहनती हूँ मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसको लिटरली ऐसे ही पहन लेती हूँ, नीचे को मैं इसको ऐसे ही पहन देती हूँ, ऐसे से नीचे को आ जाएगा। और इसको यहाँ पर इसमें यहाँ पर बटन लगे होते हैं, इस साइड को ही बांधते हैं क्या इसको, यार मुझे समझ नहीं आ रहा था इसको कहाँ बांधते हैं। तो आई थिंक इस साइड से बांधते हैं, हाँ यार इस साइड होता है आई थिंक, हाँ इस साइड होता है। इसमें बटन है, यहाँ दो बटन है इसमें। ये बांधने के बाद कहाँ गया, अब ये वाली चीज़ होती है, इसको भी बांधना होता है क्योंकि बटन के हिसाब से कई बार फिटिंग नहीं होती है। तो मैं बांध तो रही हूँ, अब इस साइड को ही होता होगा शायद, बाद में मम्मी से पूछ लूँगी। नहीं तो घाघरा तैयार हो गया है, पेटीकोट लग चुका है, अब हम पहनेंगे ये। सबसे ऊपर इसको पहनते हैं और फिर इसमें बटन, एक बटन लगाना है बस। मेरा गेटअप तैयार है, अब बस मुझे ये गले में डालनी है ये। हाँ जी नहीं तैयार हूँ मैं भी। हाँ जी हाँ जी, पापा पूछ रहे कि तैयार होगी, जाना नहीं, ईयरफोन्स की जरूरत पड़ेगी, पता नहीं ले जाके रखती हूँ। और इसमें जो है ना जेब होते हैं, इसमें भी यहाँ पे भी जेब है, एक जेब यहाँ होता है और एक जेब अंदर होता है, आपको दिखाती हूँ। एक जेब अंदर भी होता है, सीक्रेट जेब, इसमें पैसे पूसे रख सकते हो और कुछ भी सामान हो, लेडीज़ का जितना भी सामान है वो आ जाता है, जैसे छोटा मोटा कुछ, जैसे मैंने लिप बाम डाला है यहाँ पर और थोड़े पैसे डाले हैं। और मतलब ये तो हम घर में भी पहनते हैं, ये हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में आते हैं, तो इफेक्टिव होता है अगर आपके पास ये चीज़ है। इसमें आप कुछ भी ले जाओ, इसके साथ आपको अपने पर्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लिटरली इसमें फ़ोन भी आ जाता है, वॉलेट भी आ जाता है, सारी चीज़ें जो आप इसेंशियल होती है औरतों की वो आ जाती हैं। मैं तैयार हूँ और आप बताना आपको मेरा लुक कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ। अभी बस मुझे थोड़ा बालों का है कि छोटे हैं, अदरवाइज जब लंबे बाल होते हैं तो वो ट्रेडिशनल ड्रेस में और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने छोटे कर दिए थे। चलो कोई बात नहीं, तो हम चला लेंगे इससे भी काम, रबर बैंड ले जाती हूँ और एक क्लचर ले जाऊंगी साथ में। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आपको कैसा लग रहा है मेरा लुक आप मुझे बताना। तो मैं सोच रही हूँ कि साइड से ऐसे बाल करती हूँ, ऐसे
ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एक तो मेरे बाल छोटे हैं, अब ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ इसका भी पता नहीं चलता। तो ठीक लग रहे हैं, तैयार हूँ अब शादी में जाने के लिए। अब बस मुझे जूतियाँ पहननी है और मेरी कज़न आएगी अभी, उसका वेट कर रही हूँ। वो पता नहीं कितना टाइम लगा रही है। देखो कौन आया। हाय। हेलो। ये है मेरी कज़न प्रीति, ये भी आ गई है। मैं तेरी बात कर रही थी अभी, मैं कितना टाइम लगा रही है। बिंदी दे, बिंदी दे, बिंदी। ये बिंदी तो देखो कहाँ पर लेके आई है अपने। लगी ठीक लगी। तो अभी मैंने भी बिंदी लगा दी है। तू काजल गुजल तो नहीं लाई कुछ? आईलाइनर नहीं लगाना है यार। तो ये हम तैयार हो गए हैं, बताना हम दोनों कैसे लग रहे हैं। अगर मेरे भी थोड़े लंबे बाल होते तो मैं भी इसकी तरह अच्छी लगती। ये नहीं लगाना यार नीचे से आईलाइनर। लवली के पास होगा काजल? मेरे पास काजल भी नहीं है, इतने बुरे हाल है। अब हम चलने लगे, थोड़ी देर फोन चार्ज करूंगी क्योंकि इसमें बैटरी नहीं है, तो व्लॉग नहीं हो पाएगा शादी का। तो मैं पहले फोन चार्ज कर लेती हूँ, जो कि जरूरी चीज है। ये बहुत ध्यान का काम होता है, थोड़ा भी आंख में गया ना फिर इसे पता चलेगा, रोना पड़ेगा। चले हम प्रीति, धमाल करेंगे धमाल। अब चले हम, ओए सबसे लास्ट हम दोनों है क्योंकि मेरे फोन जो है ना चार्ज नहीं हुआ था, तो हम लोग अब भाग रहे हैं। ये चली हमारी मधु वाला, जिसको चलना नहीं आ रहा है क्योंकि ये अंदर जा रहा है यहाँ से ऐसे ऐसे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आजा, अब अभी हम जाएंगे, पीपल के पेड़ के पास पहुँच गए हैं। यार पीछे देखिए कितने अच्छा बादल बादल आए हैं। अभी भी हम दोनों सबसे लास्ट है। नमस्ते अंकल जी, व्लॉग में आ रहे हैं आप भी, व्लॉग बन रहे हैं। यहाँ नमस्ते करते हैं। प्रीति भी नमस्ते कर रही है। अभी हमारे को मिलेगी हमारी एक और पार्टनर लवली, और पता है हम ही तीन लड़कियाँ रह गई हैं, बाकी सबकी शादी हो गई है। आज तो हम तीन ही हैं लड़कियाँ जा रही, बाकी तो सारे जेंट्स लेडीज डिपार्टमेंट। लवली है सामने। लवली हाय। हम जाएंगे इसमें 9 बजे मार। हाय लवली, व्लॉग को हाय बोल। मेरी जिगरी आ रहा है। लास्ट चलो, आगे वाली सीटें मिलेंगी लेडीज को। ये मेरी आंटी जी है। आंटी जी हाय बोलो। हम जाएं। ये भाभी जी है। ये लग रहा है टीका जाने से पहले। ये लग रहा है मावड़े का टिक्का, मावड़े जा रहे तो सब टिक्का। बिल्कुल कम लगा है तेरे को? मेरे को भी इतना ही कम लगा है। नहीं आपका तो दिख रहा है मेरे को कम, तेरे को बहुत कम। Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. जी हम आधे रास्ते में, अभी हम यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे और अभी यहाँ से थोड़ा ही रहता है। मौसम अच्छा है, मस्त मस्त। हम पहुंचे भद्राश, आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे प्लेन फील्ड है, ये देखो यहाँ पे है प्लेन फील्ड, और यहाँ पे धान भी बीजते हैं लोग। ये लंबे केश वाली बालिका कहाँ जा रही है, कहाँ चले? हम शादी में जा रहे हैं। यार अपना ड्रेस दिखा, बहुत अच्छी लग रही है, सच में अच्छी लग रही है यार। लवली देखो यहाँ कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, सच में अच्छी लग रही है। व्लॉग के लिए हाय बोलेंगे आप? हाय। ये रिश्ते में मेरी बहू लगती है, पर ये बहुत ही स्वीट है। नल ड्रेस दिखाएं आप, ये इनका पेटीकोट है और इन्होंने हमारे लिए टेढ़े मेढ़े भी लिए हैं। थैंक यू सो मच। तो ये यहाँ पे रास्ते में मेरी रिफ्रेशमेंट मिल रही है, चने पूरी चाय मैंने यहाँ रखी हुई, चोरी चोरी चाय करो। तो हमें रिफ्रेशमेंट मिले यहाँ पे, अभी हम चाय चने और पूरियाँ खा रहे हैं। है गुरु, ऐसे ही होता है, सच में है गुरु। लोग उल्टे बैठे हो अब तुम लोग। इसको खुद से बता रही, स्लो मोशन में करना मैं तो लाऊंगी। ये मेरी दीदी की बेटी है और ऐसे ही करते हैं। और ये बोलती है आप व्लॉग बनाते हो ना? हाय, ऐसे करते हैं। लवली दूसरी दूसरी प्लेट है इसकी, शर्म नहीं है इसको।
मेरी भी दूसरी है, मुझे भी नहीं है। तो ये घर है वहाँ पे जहाँ पे हम शादी में आए, तो जितने भी मामू के साथ लोग आए सारे यहाँ पे वेट करते हैं। कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं और बाकी इधर ही आसपास है। अभी सारे हम इकट्ठे होके नीचे जाएंगे। हवा बहुत चल रही है, हवा 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 आई, हवा हवा आई। रात हो गई है और अब जाके हम जा रहे हैं। ये दिख रहा है यहाँ से निरमंड, एचपी का सबसे बड़ा गांव। यहाँ पे जाएंगे अभी हम शादी में, अंधेरा हो गया है तो मामे लोग अभी जाएंगे नाचते हुए। Thank you.
चपाती इडली मिक्स वेज। तो ये है मेरी प्लेट, ये है लवली की प्लेट और वो है प्रीति की प्लेट। वापिस घर, रात के बज रहे हैं, कितने बजे थे बेटी? 11 बजने वाले हैं, हाँ 10:50। और हम निकल रहे हैं घर को क्योंकि हमें कल बारात में भी जाना है। और कल बारात में जाएंगे मेरी फ्रेंड के घर क्योंकि जिसके साथ शादी हो रही है भैया की, वो मेरी बचपन की दोस्त है। चलो तो अभी हम वापिस आ गए वहाँ से, वहाँ तो शादी चली है, मस्त नाच रहे हैं लोग, पर हम लोगों को जाना है घर। अभी हम पहुँच गए वापिस अपने गाँव और कल सुबह हम यहाँ आओगे। ये हमारे गांव से ही है शादी, तो ये मेरी फ्रेंड का घर है और कल हम यहाँ जाएंगे। तो रात के 12:45 हो चुके हैं और हम अभी जाके घर पहुँच गए हैं और अब हमें सुबह बारात में भी जाना है और जहाँ जाएंगे वो मेरी फ्रेंड है और हम उससे भी मिलेंगे। तो हम अभी सो जाएंगे। पानी ले लो यहाँ से। टीवी यहीं आ गई, पहले तो बोली थी नहीं आऊँगी पर क्या हो गया कि चाबी अंकल आंटी के पास है, वो भी पहुँचे नहीं, तो अभी ये भी यहीं पर सोएगी, तो हम लोग लगे सोने। और आज का व्लॉग यहीं खत्म करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तू ही बोल दे भाई, कुछ भी नहीं बोलेगी। बाय बाय। और आप ये जरूर बताना कि आपको हमारा यहाँ का शादी का ट्रेडिशन और कल्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, अन्योंग। ये हो रही है सुबह की प्लानिंग, ये हो रही है कि सुबह कौन किसको उठाएगा। सुबह उठ के जो सबसे पहले उठेगा वो अपने घर से बाहर निकल के जोर से आवाज लगाएगा, हेलो चलो उठो। इतने नजदीक है हम तीनों के घर, हम तीनों के घर हैं 30-30 सेकंड की दूरी पे। डन डन।